हम समाज में ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो अपने ही घर में कभी भी खुश नजर नहीं आते। उन्हें घर ऐसे लगता है कि यहां से मैं कहां से चला जाऊं। अपने ही घर में खुश नहीं रहने की बहुत सारी वजह होती है, लेकिन आज हम एक ऐसी रेमेडी देखने वाले हैं जो अपने प्रैक्टिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, और वह है आर्सेनिक एल्बम। तो शुरू करते हैं आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का पहला रूब्रिक है, टेलीविजन हैप्पी इन हिज ओन हाउस ही विल नेवर बी। आर्सेनिक कभी भी अपने घर में खुश रह नहीं सकता। लेकिन ये खुश क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये बहुत ही एब्रप्ट और हार्श होता है। लेकिन हर आदमी ये ऐसे क्यों बिहेव करता है, क्यों ऐसी क्रिया करता है, उसके पीछे उसका कुछ तो एक थॉट होता है। फिर वो उसकी एंजाइटी हो, उसकी फियर हो, या उसका डेल्यूजन हो। तो वैसे ही आर्सेनिक में कौन सा ऐसा एक डेल्यूजन हो सकता है या फियर हो सकता है जिसकी वजह से ये इतना चिड़चिड़ हो सकता है या एब्रप्टली हार्शली किसी से बातें कर सकता है। आर्सेनिक जब घर में होता है तब अपने ही घर के सदस्य, फिर अपनी पत्नी हो या अपने बच्चे हो, वो हर एक से चिढ़ के बात कर सकता है। आर्सेनिक के घर के जो सदस्य है वो हमें बताते हैं कि इनके मूड का कोई भरोसा दे नहीं सकता। ये कभी ठीक रहते हैं, कभी सडनली एकदम हार्श हो जाते हैं, और इसकी वजह हमें पता नहीं होती। इनको कभी भी कोई किसी ने विरोध किया वो उसको सहन नहीं होता। लेकिन ऐसे क्यों नहीं होता इसकी भी वजह हम आगे देखेंगे। ये बहुत ही अब्यूजिव होते हैं। अब्यूजिव हस्बैंड हम बहुत जगह देखते हैं, जो अपने बच्चों के सामने या किसी के भी सामने अपने वाइफ को कुछ भला बुरा कहते हैं। वो अपने ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल रख नहीं पाते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वो आंसर अपने ही घर के सदस्य को बहुत एब्रप्टली देते हैं, या कभी कभी वो आंसर देना उचित नहीं समझते और वह आंसर देने से खुद को रोकते हैं। अगर इनकी पत्नी या इनके बच्चे इनसे कुछ सवाल करें तो ये बिल्कुल उनको महत्व देता नहीं है और चुपचाप बैठ जाता है, और जैसे कि मेरे आजू बाजू कोई नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दो। अपने वाइफ को भी, उससे भी ये दूर रहने लगता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आर्सेनिक में एक एम्बिशन होता है, और वो एम्बिशन है एम्बिशन इंक्रीज मनी टू मेक। और उसको ये मनी क्यों चाहिए? क्योंकि उसको अपने फ्यूचर की एंजाइटी होती है, मेरा आगे जाके क्या होगा, इसके बारे में ये बहुत सारे इसके मन में विचार चालू रहते हैं। मेरे घर के सदस्य का फ्यूचर क्या हो सकता है, उनकी उनको एंजाइटी होती है। एंजाइटी फैमिली अबाउट इज, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इज। और इसीलिए जब तक मैं इनके लिए कुछ अच्छी रकम या कुछ जमा पूंजी जमा ना कर दूं, तब तक ये शांत बैठते नहीं है। इसीलिए इसमें रूब्रिक है, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन अ प्रॉपर प्लेस। बहुत बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे पता है मुझे कैंसर है, या मुझे पता है मुझे लीवर सिरोसिस हो गया है, या मेरी किडनी फेल हो चुकी है। लेकिन इस एज में अगर ये किडनी फेल हो गई, अब मेरी उम्र ही क्या है, 40 साल, अब मुझे, मेरे पीछे मेरे घर के सदस्य है, मेरे माँ बाप है, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, और घर में मैं अकेला कमाता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो इनके पीछे, यानी अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे इनका कौन सहारा है? अब तक मैंने उतनी जमा पूंजी जमा नहीं की है कि ये घर में रह के भी आराम से जी सके। और इसीलिए जब तक मैं कुछ अच्छा काम कर नहीं लेता या कुछ ऐसे जमा पूंजी जमा कर नहीं लेता, तब तक मैं खुद के बारे में मरने का विचार भी नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं दिन रात काम करते रहता हूं कि एक
अच्छी जिंदगी मेरे घर के हर परिवार के, और इसीलिए मैं दिन रात काम करते रहता हूं कि मेरे घर का हर मेंबर मेरे जाने के बाद भी बहुत सुखी रहे, इनके बारे में मुझे चिंता लगी रहती है। इसमें एक रूब्रिक है, डेल्यूजन बिजनेस, दे आर परसुइंग ऑर्डिनरी। इन्हें ऐसे लगता है जो मैं कुछ काम कर रहा हूं वो बहुत ही ऑर्डिनरी है, इससे मैं ज्यादा कुछ खास कमा नहीं पा रहा हूं। जितने भी पैसे आते हैं वो महीने के आखिर में खत्म हो जाते हैं, हाथ में कुछ बचता नहीं है, और जो कुछ कमा रहा हूं उसमें कुछ मजा नहीं है, और इसीलिए इसको लगता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो बहुत ही मामूली बिजनेस कर रहा हूं, एक ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जो मनीषा है वो पैसे कमाने की है। सिर्फ पैसे नहीं, इतनी जमा पूंजी करो कि मेरे घर के सदस्य बहुत ही एक लग्जरियस लाइफ जी ले। और उसके पीछे इसका फियर होता है, वो है फियर पॉवर्टी ऑफ। जैसे कि हमने अभी देखा कि इसको एक ही एम्बिशन होती है, इंक्रीज मनी टू बैंक, यानी मेरे पास जो कुछ है वो हमेशा बढ़ते ही चला जाए, और वो क्या, वो पैसा। ये पैसे के लिए बहुत ही लालची होता है, इसमें रूब्रिक भी है ग्रीडी, एवरेज, बहुत कंजूस भी होता है, खुद के एक पैसा भी दूसरे को देगा नहीं, सिर्फ अपने लिए, और जब जरूरत हो तो घर के सदस्य के लिए ही खर्च करता है, बाकी दूसरों का इतना ज्यादा इनके मन में विचार होता नहीं है। वैसे ही इसमें एक रूब्रिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, क्योंकि ये खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता है। मेरे जो घर के सदस्य है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे ऊपर है, और इसीलिए मेरे जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है, उनको फ्यूचर में एक प्रोग्रेस करना है, इसीलिए जो कुछ उनके पढ़ाई के लिए खर्चा करना है, इसकी जमा पूंजी मैं आज से ही करना स्टार्ट करूं, और इसीलिए अपने जो पैसे होते हैं वो ज्यादा खर्चे करता नहीं है। इसलिए आप आर्सेनिक देखेंगे तो पैसे उड़ाते नहीं है, यानी जो पार्टी में जाना या कहाँ घूमने जाना, लॉन्ग टूर करना, ऐसी चीजें वो ज्यादा करते नहीं है। इसमें एक रूब्रिक भी है, कलेक्ट्स मेनी थिंग्स, और अपने घर में अगर कुछ भी जूना पुराना सामान हो वो जमा करते रहते हैं, फेंकने को देते नहीं है। इनकी वाइफ बोलती है अब ये जूना हो गया, अब ये पुराना हो गया, इसे फेंक देना ही उचित है, तो ये कहते हैं नहीं नहीं कभी तो काम में आ जाएगा, क्योंकि नया कोई चीज लेना है तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और ये खर्च करना नहीं चाहता क्योंकि इसके पीछे एक एंजाइटी, एक फियर होती है, वो फियर होती है पॉवर्टी की, क्योंकि ये दूसरों के सामने पैसों के लिए कभी भी भीख मांग नहीं सकता, और इसीलिए जो कुछ कमाना है एक मिनट भी फालतू में खर्चा नहीं करना है, और वह एक मिनट भी मेरे काम में जुटाना है। इसीलिए हमेशा एक इंडस्ट्रियस व्यक्तिमत्व ये आर्सेनिक होता है। इसको अपने बच्चों की बहुत ही चिंता होती है, वैसे ही फैमिली की भी होती है कि मेरे बाद इनका क्या होगा, या मैं अब हूं तो मेरे बच्चों के शिक्षण की, और वैसे ही उनके फ्यूचर के लिए मुझे आज ही कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। वैसे ही अगर घर के किसी भी सदस्य को कुछ हो गया तो इनको बहुत ही चिंता लगती है। मैंने तुझे कहा था ना तू आइसक्रीम मत खा, तेरे माँ ने तुझे आइसक्रीम दिया और इसके वजह से आज तुझे टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। मैंने तुझे कहा था कि बाहर की पानीपुरी मत खा, लेकिन तूने खाई और इसीलिए तुझे अभी लूज मोशन स्टार्ट हो गए। तो हमेशा अपने घर वालों की चिंता करने वाला व्यक्ति आर्सेनिक हो सकता है, वैसे उसको खुद की भी बहुत चिंता होती है कि मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गया तो फिर घर में कमाना वाला मैं एक ही हूं, ये घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मुझे कुछ हो गया तो। इसीलिए आर्सेनिक हमेशा
घर में बहुत ही अच्छा डाइट लेता है, ना ज्यादा तलेला लेता है, ना ज्यादा फ्राई चीजें लेता है, ना तीखा, ऐसी चीजें वो अवॉइड करता है, क्योंकि वो उतना ही अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर के सदस्य क्या क्या, ये विचार हमेशा इसके मन में चालू रहते हैं। वैसे ही घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके मन में उस प्रॉब्लम के बारे में हमेशा विचार चलते ही रहते हैं, और इसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे बहुत ही एंटीसिपेटरी एंजाइटी इसमें होती है। उदाहरण के तौर पर अगर समझो ये खुद बीमार हो गए, अब मैं तो घर में बैठा इस बीमारी की वजह से, अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे वाइफ का क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, कौन हमें खाना खिलाएगा, हमारा खर्चा कैसे निकलेगा। और इसलिए जब बीमारी में भी कोई ज्यादा छटपटाता है एंजाइटी की वजह से, तो उसकी प्रमुख दवा ये आर्सेनिक होती है। इसमें एक रूब्रिक है, एंजाइटी कोराइजाफ्रॉन। वैसे छोटी सी भी सर्दी के वजह से एंशियस क्यों हो जाते हैं, तो इसके पीछे एक ही वजह होती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे घर के सदस्य क्या करा, यही इसके पीछे फियर होती है। वैसे ही अगर इससे कोई एक्सपेक्टेशन रखे तभी भी इसको एंजाइटी होती है। हर काम परफेक्ट ही होना चाहिए, और परफेक्ट करने की ये पूरी तरह कोशिश करता है, और मैं जितना परफेक्ट करता हूं वैसे ही बाकी के लोग करें, ऐसे इसका अट्टहास होता है। और जब ये ऐसे होता नहीं है तब इसकी चिड़चिड़ होने लगती है। जब इससे ये ड्यूटी होती नहीं है तब इसको बहुत ही गिल्टी महसूस होता है, एक एंजाइटी मन में आती है कि यार मेरे बच्चों ने आज उनके ट्यूशन की फी मांगी और वो ट्यूशन की फीस भी नहीं दे पा रहा हूं, यानी मैं कर्तव्य में कहां तो कम पड़ रहा हूं, और इसकी भी एंजाइटी इनमें होती है। वैसे ही अगर ये खुद सेडेंटरी लाइफ कभी जीते नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी इन्होंने कुछ आराम कर लिया तभी भी एंजाइटी आने लगती है, मैंने खाली फोकट टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने खाली फोकट इतने खर्चे कर दिए। अगर घर के सदस्य समझो बच्चे हैं, वो अगर यह सेडेंटरी लाइफ जी रहे तभी भी इनको अच्छा नहीं लगता, ये उनके पीछे लगते हैं, उनके ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, बहुत इरिटेबल होते हैं, क्या कर रहे हो, मैं दिन रात एक करके आपके लिए काम कर रहा हूं और आप पढ़ाई छोड़ के ये क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाहर से स्विगी से जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं, क्यों इतना फिजूल खर्चा कर रहे हैं, ये इसे अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को कोई फालतू में खर्चा अगर कर रहा है तो आर्सेनिक से वो बर्दाश्त होता नहीं है। और फिर इनके बच्चों को वहां कहा तो एक सफोकेटिंग फीलिंग आती है कि हमारे पिताजी कभी भी हमें एक फ्री जीवन जीने नहीं देते, और यहाँ ही फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और इसीलिए आर्सेनिक अगर पीता है तो इनके बच्चे या घर के सदस्य इनसे बहुत ही अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं। अब इसे एक डेल्यूजन होता है, डेल्यूजन इज गोइंग टू बी अरेस्टेड, और वैसे एक फियर भी होता है, फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड। अब ये फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, इसकी वजह से ही इनको अपने हेल्थ की चिंता होती है, इसलिए अपने हेल्थ के बारे में ये बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, केयरफुल होते हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं है, फिजूल खर्चा करते नहीं है। बहुत से आर्सेनिक तो ऐसे भी होते हैं कि इनको कोई बैड हैबिट होती नहीं है, ना कभी सिगरेट पीते हैं, ना कभी शराब पीते हैं, ना कभी पान खाते हैं, तो ऐसे भी आपको आर्सेनिक एल्बम मिल सकते हैं। वैसे ही अगर मैं डिसेबल हो गया, अगर मैं कुछ कर नहीं पाया, तो फिर मेरे घर वालों का क्या होगा। जब आदमी में कोई एंजाइटी होती है, कोई फियर होता है, तभी उसकी इरिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है,
क्योंकि इस एंजाइटी की वजह से, इस इनसिक्योरिटी की वजह से उनमें चिड़चिड़ निर्माण होती है, और इसीलिए आर्सेनिक घर में कभी भी खुश रहता नहीं है, क्योंकि इसे ऐसे लगता है कि मैं जितना परफेक्ट हूं, मैं जितना काम कर रहा हूं, उतना काम मेरे बच्चे नहीं कर रहे, उतना अच्छा काम मेरी बीवी नहीं कर रही है, और इसीलिए घर के हर सदस्य से ये बहुत ही चिड़चिड़ करते रहता है। इसे ऐसे लगता है कि ये घर का हर सदस्य मेरी जान ले लेगा तभी ये शांत बैठेगा। इसीलिए आर्सेनिक के घर में बहुत चिड़चिड़ का वातावरण होता है। वैसे ही जैसे कि हमने देखा कि इसको एक फियर होती है, और वो कॉमन फियर है, फियर ऑफ पॉवर्टी, और वैसे ही फियर ऑफ स्टार्विंग की। अगर मैंने ठीक से मेरी जमा पूंजी कर नहीं दी, ठीक से कुछ कमाया नहीं, और अचानक कुछ हो गया, इसमें एक आगे जाके रूब्रिक भी है, फियर मिस फॉर्चून, और मैं कुछ कर नहीं पाया यानी मैं डिसेबल हो गया, तो बस भीख मांगने के सिवाय कुछ चारा नहीं बचेगा। और इसी वजह से इसके मन में हमेशा ये फियर ऑफ पॉवर्टी और फियर ऑफ स्टार्विंग का एक डर रहता है, और इसी डर के कारण इसकी चिड़चिड़ होते रहती है। इसीलिए अपने घर में ये कभी भी खुश होता नहीं है। अगर मैं डिसेबल हो गया, अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो भीख मांगना ये मेरे लिए उचित नहीं होगा, ये मेरे लिए एग्रेवेशन होगा। और इसीलिए इस स्थिति टालने के लिए आर्सेनिक एल्बम हमेशा काम में ही जुटा रहता है, काम में ही मगना होता है, और उसकी एक ही एम्बिशन होती है, बस पैसे कमाओ। वैसे ही जैसे ही हमने कहा कि फियर ऑफ मिस फॉर्चून यानी कब कुछ हो गया तो क्या, तो मेरे घर के सदस्य क्या क्या, बस दूसरे के सामने हाथ फैलाना, यही एक चारा बचेगा और वो मुझे होने नहीं देना है। और इसकी वजह से जब इसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, वैसे इसकी पत्नी एजुकेटेड होते हुए भी सिर्फ घर का ही काम करते रहती है, कुछ दूसरा कुछ काम करती नहीं, तभी भी इसके मन में बहुत चिड़चिड़ रहती है। इसको ऐसे लगता है कि अगर मैं इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी या मेरा अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी अगर मैंने कुछ खास कमाया नहीं और बीच में कुछ हो गया, कुछ मिसफॉर्च्यून हो गया और मैं डिसेबल हो गया या अरेस्टेड हो गया, तो फिर मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और यही मेरी इज्जत चली जाएगी, ये उसे होने नहीं देना है। यहाँ रूब्रिक है, फियर नोज कट ऑफ हैविंग द नोज, और वैसे ही लोग क्या कहेंगे, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स, क्योंकि उस ओपिनियन को ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू द ओपिनियन ऑफ अदर्स, और यही इसके लिए इंजरी हो सकती है। यही इंजरी टालने के लिए ये हमेशा बहुत ही इंडस्ट्रियस होता है, लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, इसका बिजनेस कारोबार में बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तब वहां से उसके एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, सैडनेस, मनी लूजिंग आफ्टर, ये दुख हो जाता है, क्योंकि इसका मेन एम क्या है, बस मुझे पैसे कमाने हैं, और जो कुछ पैसे हैं वो होल्ड करके रखने हैं, वो खर्च नहीं करने, क्योंकि उसमें से एक पैसा भी खर्च हो गया तभी भी इसको पॉवर्टी की फियर आ जाती है। और सैडनेस मनी आफ्टर लूजिंग का दूसरा भी अर्थ ऐसा है कि मैंने जो अब तक पैसे कमाए हैं उसमें से थोड़े से भी किसी ने खर्च कर दिए, मैं तो खर्च करने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चों ने या पत्नी ने वो फिजूल का कोई खर्च कर दिया, तभी भी ये दुखी हो जाता है। और इसीलिए आर्सेनिक उनके व्यवहार से ये कभी भी घर में शांत रह नहीं सकता, कभी भी खुश नहीं रह सकता, और जब ऐसी स्थिति आती है तब वो अपने घर वालों से बहुत ही इनडिफरेंस रहने लगता है, उनके अब भलाई की ये ज्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि मैं जिनके लिए इतना कमा रहा हूं वही मेरा पैसा लुटा रहे हैं, तो फिर अब इनके कल्याण के बारे में मैं क्यों सोचूं, ऐसे इसके मन में विचार आते हैं, और वहां से
वो अनफीलिंग में चला जाता है, अनसिम्पैथेटिक होता है। वैसे ही इसमें एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, एंजाइटी राइडिंग वाइब। अब इसका अर्थ ऐसा है, राइडिंग यानी कोई तो दूसरा आदमी ड्राइव कर रहा है और ये बैठा है, ये खुद ड्राइव नहीं कर रहा है। आर्सेनिक को ऐसे लगता है, जो कुछ मैंने अब तक कारोबार किया है या चला रहा हूं वो मैं खुद कर रहा हूं। अगर दूसरों के हाथ में ये चला गया, समझो इसके बच्चे बोले कि अब आप थोड़ा सा आराम कर लो, आपकी उम्र हो गई है, तब ये उनके हाथ में तो वो कारोबार देगा, लेकिन हमेशा इसके मन में वो डर रहता है कि ये ठीक से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, ये ठीक से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। अगर नहीं चला है तो फियर पॉवर्टी ऑफ, और फिर फियर स्टार्विंग ऑफ, ये इसके मन में हमेशा चालू रहता है। इसीलिए दूसरों के हाथ में अगर कोई इन्होंने कार्य दे दिया या कारोबार दे दिया, तब तभी भी ये बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, चेंज एवर्जन टू हाउस और फ्लैट इन द, यानी अपने ही घर में कुछ भी ये चेंज करने को देते नहीं, जैसे है वैसे ही रहने दो। फास्टिडियस कलेक्ट्स मेनी थिंग, जैसे मैंने कहा है कुछ चेंज मत करो। बहुत बार हम आर्सेनिक इस वजह से भी देते हैं कि जो चीज जहां है वहां ही रहने दो, अगर वहां से दूसरी जगह उठा के किसी ने रख दिया तो ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, यहाँ भी आर्सेनिक दे सकते हैं, लेकिन हम जिस बारे में आज ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा है कि कोई भी चेंज, अगर समझो फ्लावर पॉट पुराना है तो वो नया फ्लावर पॉट लेगा नहीं, कुर्सी जूनी हो गई है तो नई कुर्सी लेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए खर्च करने पड़ते हैं और इसको ये खर्च करना पसंद नहीं होता है उस फियर की वजह से। और जब कोई ऐसे खर्चा कर देता है, कोई नया चीज ले लेता है, तब तो इसको ये अच्छा नहीं लगता, और फिर यहां से फिर वो दूसरों को जो नहीं, जिसने ऐसा किया है उसको फिर भला बुरा कहता ही रहता है, और इसके वजह से इसके घर में कभी भी शांति रहती नहीं है। इसके बच्चे, पत्नी कहती है आपको तो बहुत सारे ऐसे जूने चीजों की आदत हो चुकी है, लेकिन हमें तो नई चीजें चाहिए, आप क्यों हमें लेने नहीं देते। आप देखो हमारे घर का जो पेंट है वो अभी 5 या 6 साल हो गया वैसे की वैसा ही है, आपने घर का कलर भी चेंज नहीं किया है, हम कैसे मकान में रह रहे हैं। बहुत सारे सालों से जैसे घर लिया था तब जो इंटीरियर किया था तब से वैसे के वैसे ही है, एक भी चीज उसमें से बदली नहीं है, बहुत सारी चीजें पुरानी हो चुकी है, लेकिन आप हमें कुछ बदल नहीं देते। लेकिन ये बदलने नहीं देता, इसके पीछे की वजह आप अभी तक जान चुके हो। अब यहाँ एक रूब्रिक है, एंगर रिकवरी इफ वन स्पोक ऑफ हर, यानी अगर ये बीमार है और घर का कोई सदस्य आके कहे कि डोंट वरी आप ठीक हो जाओगे, तो इसको ये चिड़चिड़ क्यों होनी चाहिए, इसको ये गुस्सा आने क्यों चाहिए, क्योंकि क्योंकि जब ये बीमार होता है तब बहुत सारा पैसा इसके ट्रीटमेंट में चला जाता है और ये ठीक भी नहीं होता, इसको ऐसे लगता है अब ये मेडिसिन लेना ये यूजलेस है, क्योंकि इतना पैसा भी खर्च हो चुका है जो मैं खर्चा नहीं करना चाहता था, और अब किसी ने आके इसे कहा कि आप ठीक हो जाओगे, तब चिड़चिड़ होने लगती है। इसके पीछे की प्रमुख वजह ये होती है, एक तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है और दूसरा अब बहुत सा पैसा खर्च हो चुका है और इसी वजह से इसकी चिड़चिड़ होने लगी है और इसे गुस्सा आने लगा है। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।